गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो लेसन चल रहा है गद्य के भीतर, जैसे कि यहाँ पे बाजार दर्शन, उसके रचयिता जो है साहित्यकार वो जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार ने काफ़ी समय पहले ही बाजार की आगे चलते हुए समय में कौन सी स्थिति होने वाली है उसके बारे में उन्होंने पहले ही लिखा था। आज के समय में जो बाजार की स्थिति है उसको देखकर उनकी बातें बिल्कुल सही हमें तथ्य वास्तविक मालूम पड़ रही है। अब बच्चों, इतना ही नहीं, ये पाठ जैसे जैसे आगे बढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, तो आगे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि लेखक के जीवन में करीबन तीन प्रकार के उनको अनुभव हुए हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पहला जो अनुभव होता है उसमें उनके जो मित्र होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ जाते हैं और हद से ज़्यादा ही कुछ फिजूल की खर्ची करके शॉपिंग करके आते हैं, और वहाँ पे परचेज अर्थात वहाँ पे मनी पावर के बारे में बताया गया जिसकी हमने चर्चा की। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि लेखक का जो दूसरा मित्र है वो दोपहर में जाता है और शाम को आता है, लेकिन खाली हाथ आता है। लेखक उससे उसकी वजह पूछते हैं तो उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया कि मुझे एक आध दो चीज़ें नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ खरीदना था, ये सब खरीदने के चक्कर में मैं कुछ नहीं ला पाया। तीसरा उन्होंने हमने जो वीडियो बनाया था अर्थात वीडियो में देखा, तीसरे वीडियो में हमने कि उनके जीवन का दूसरा तीसरा जो अनुभव था उसमें पड़ोस में रहने वाले भगत के बारे में है। आगे वाले वीडियो में ही हमने देखा तो भगत जो है वो चूर्ण बेचता है और सदियों से एक ही दाम पे बेचता है, उसका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है और बाकी बचा हुआ चूर्ण वो बच्चों को बांट देता है मुफ्त में। अब यहाँ पे अगर भगत चाहता तो ऊंचे दाम पे उसको बेच सकता था, या किसी व्यापारियों को के साथ वो पल भर में बेचकर वो तो फ्री हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि भगत के ऊपर वो बाजार का जादू नहीं चलता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भगत जो है वो पैसों की चकाचौंध में नहीं आता है, और पैसा जो यहाँ पे अर्थात लेखक कहते हैं कि ये बाजार जो होता है ये हमारे पैसों को खींचता है, अर्थात इंसान को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि हम लोग क्या करें कि अपना जो मनी पावर है उसके पीछे इस्तेमाल करें, अपना जो फिजूल का मतलब टाइम है वो भी उसके पीछे बर्बाद करें। अब वस्तु जो होती है वो मुख होती है, बोल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इतनी सजा धजा के उसको रखते हैं कि जैसे कि वस्तु बोल रही है आओ मुझे ले जाओ, और अगर ले भी नहीं जाते हो तो मतलब देखने के पैसे नहीं होते हैं, तुम लोग देख सकते हो। तो इस तरह से वस्तु का अर्थात बाजार का प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ता है। जैसे कि कोई लोहा होता है वो वस्तु को वो जिस प्रकार से जो लोहे की बनी हुई किसी भी चीज को चुंबक जो होता है वो आकर्षित करता है, बाजार भी उसी प्रकार से होता है कि वो इंसान को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेखक ने उसमें भी बताया कि इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक इंसान ऐसे प्रकार के होते हैं जिनके ऊपर मतलब बाजार का कोई जादू नहीं चलता, जो बहुत ही मुसीबत से ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं। कहो तो बच्चों ऐसे गिने चुने इंसान होते हैं, और दूसरे इंसानों में ऐसे इंसान आते हैं कि जिनका मन कभी भरता ही नहीं है, उनकी इच्छा कभी ख़त्म ही नहीं होती है, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा। तो बाजार का प्रभाव इंसान के ऊपर इस तरह से पड़ता है। तो ये हुआ हमारा रिवीजन। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लेखक होते हैं ये लेखक किस प्रकार से अपने जीवन की जो विडंबनाएँ होती है उसको अर्थात उन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से ये बाजार का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है उसके बारे में उन्होंने कहा है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की शून्य व दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही से धूल उड़ाती हुई एक निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही और से पार हो गई, आर से पार हो जाती है, जैसे किसी ने आंखों में उंगली डालकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपने ऐसी विडंबना मालूम होती थी कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को तो हो आता हूँ कि हाय ये है माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेना था, तो क्या ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। मैं व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि ज़रा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती हूँ, लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचितकार मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। अकिंचितकार का मतलब होता है अर्थहीन। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने अपने जीवन का अलग प्रकार का अनुभव हमारे सामने पेश किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार लेखक पैदल चल रहे थे, उस समय धूल उड़ाती हुई उनके नज़दीक से एक बढ़िया सी मोटर कार तेज गति से गुजर जाती है। लेखक ऐसा समझते हैं कि दो पल के लिए तो जैसे कि मेरा कलेजा कांप उठा और मैं उस मोटर कार को देख कर मतलब सपने में खो गया। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ होता जिसके पास मोटर गाड़ी
गाड़ी होती तो आज ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक जैसे लेखक भी ये बाजार का प्रभाव हुआ, समझ में आया। ये वस्तुएं जो होती हैं ये कंपनियां बनाती है, तो ये बाजार हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डालता है कि पल भर के लिए शायद हो सके कि हम अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने परिवार के प्रति थोड़ा कृतज्ञ का भाव हमारे मन में पैदा हो जाए। उसका एक बढ़िया सा उदाहरण उन्होंने कहा कि जब भी मेरे मन में ऐसी कोई बात आती है तब मैं भगत के बारे में सोचता हूँ, क्यों? क्योंकि भगत के ऊपर अकिंचितकार यानी अर्थहीन, उसका मतलब होता है अर्थहीन। भगत के ऊपर पैसों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर वो चाहता तो अपने चूर्ण ऊंचे दाम में बेच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो भगत के जीवन की स्थिति को देखकर यहाँ पे लेखक के मन में भी अगर पैसों के प्रति या फिर वस्तु के प्रति मोह उत्पन्न होता है तो वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। अब यहाँ पे व्यंग्य, व्यंग्य यानी कौन सा, मतलब वास्तविक, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कटाक्ष करना, तो यहाँ पे उसी प्रकार से ये बाजार की स्थिति भी है जो इंसान के ऊपर मतलब बहुत ही अलग प्रभाव डालती है। अगर हम उसके बारे में कुछ कहे तो कोई भी बात ऐसी कहे कि कोई, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बच्चे बताए कि किसी के मन में इच्छाएं जो होती है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, मतलब हाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है। ऐसे इंसान अगर हमें सीख दे तो हमें क्या होता है कि हाँ उसके बारे में कि हाँ वो इस तरह से बोलते हैं, उसके पास तो नहीं है इसके लिए वो नहीं खरीद सकता, और मुझे सीख देता है, हम इस तरह से कहते हैं। लेकिन बार बार मैं आपसे वीडियो में कहती आई हूँ कि बच्चों उतनी ही, जितनी वस्तु की ज़रूरत होती है हमें उतना ही खरीदना चाहिए। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चित निश्चय उस ताल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ अपर जातियों का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है। स्पृहा यानी इच्छा। वह उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्तित्व की निर्बलता ही प्रामाणिक होती है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लेते हैं ये पन्ने तक का, कि यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि वो कौन सी दो वस्तुओं के ऊपर बल देते हैं, कि जैसे कि संसार तो ये मोह माया वाला है, उसका वैभव थोड़ा निराला है जो फलता फूलता रहता है, जैसे कि तरह तरह की नई नई कंपनियाँ आती है, नई नई प्रोडक्ट आती है, नई नई वस्तुएँ आती है, तो उसको देखकर हमारी जो चाह है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन हमें बल देना है कौन सी वस्तुओं के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने संयम के ऊपर, अपने धैर्य के ऊपर। अगर हम ये रखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हम हर एक वस्तु के ऊपर संयम रख सकते हैं। उन्होंने ये सारी बातें जो है, ये सारी बातों को स्पष्ट बताया है कि मैं यहाँ पे कोई शब्दों का सरोकार पैदा करने नहीं आया हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूं कि किसी शब्द पर अटक के आपको ये बता सकूं कि मतलब किस प्रकार से बाजार की व्यंग्य ना की जाए। मैं व्यंग्य कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं बाजार की यहां पे कोई निम्न बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लेखक कहते हैं मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वास्तविकता को समझिए और ये वास्तविकता को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्या आपको सत्य है, क्या असत्य है, वो आपको जानना पड़ेगा। आपकी इच्छाओं को आप जितना बटोरना चाहते हो बटोर सकते हो, लेकिन बतौर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि समय और आपकी ये जो मनी पावर है वो मनी पावर का आप सही जगह पे सदुपयोग करें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रुकते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा एक आध डेढ़ पन्ना बाकी है जिसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।